कार्यकर्ता जिंदाबाद, दुसरा कुठे कार्यकर्ते दिल से काम करते, जिगरबाज है कार्यकर्ते। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हर साल की तरह 34वां साल है, वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव का आगाज हो चुका है। वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है और 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वसई तालुका पूरी खेल के रंग में रंगी होती है। 34 कला और 38 खेल क्रीड़ा के कुल 72 यहाँ आयोजन होने वाले हैं और उस आयोजन का आगाज उद्घाटन आज हो चुका है। आप हमारे साथ इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ मान्यवर आए हैं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए और बढ़ा रहे हैं। आप स्क्रीन पे दूसरी तरफ उद्घाटन की पूरी कवरेज देख सकते हैं। उद्घाटन यहाँ हुआ, कई बड़े बड़े मान्यवर लोग यहाँ पर उद्घाटन प्रसंग में शामिल हुए, जिसमें महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान डायना जी आई थी, तो वहीं मराठी रंगमंच के कलाकार वो भी यहाँ शामिल हुए थे। वसई तालुका कला क्रीड़ा मंडल की पूरी अपनी टीम तो थी ही, वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर और वसई विधायक नाबोईसर विधायक राजेश पाटिल, नालासुपारा विधायक क्षितिश ठाकुर उनके साथ दूसरे और कई मान्यवर लोग यहाँ मौजूद रहे और यह कार्यक्रम का उद्घाटन आगाज आज हुआ। इस कार्यक्रम की कवरेज हम लगातार अपने चैनल पर बताते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ये आयोजन ऐसा है जहाँ 55,000 से ज़्यादा, एक इमेजिन करने के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि 55,000 से ज़्यादा इन प्रतिस्पर्धियों को यहाँ मैनेज करना काफ़ी बड़ा आयोजन, एक माने में एक खेल महोत्सव है, इसीलिए इसका नाम वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव रखा हुआ है। और यह सतत 34 सालों से चलते आ रहा है। जब शुरू हुआ था तो सिर्फ 3500 खिलाड़ी थे जो जिससे शुरू हुआ था, आज 55,000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन उसका आगाज हुआ है और आप लोग जो दर्शक है वो उनमें से भी कहीं आगे की पीढ़ी वाले आने वाली पीढ़ी में लोग हैं, उनको ये प्रेरणा लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर अपना खुद का शारीरिक रूप से अपने खुद को आगे तैयार करना चाहिए। यह मंच ऐसा मंच है, यहाँ मंच से कई लोग निकले हैं जो विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव एक बड़ा कार्यक्रम, इसका आगाज हुआ। अब अभी फिलहाल आप इस देखिए पूरे इस उद्घाटन कार्यक्रम की जो कवरेज हमने की है इसके आगे चैनल पे। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। चौतीसवां कला क्रीड़ा महोत्सव का शुरुआत हुई है, कौन कौन यहाँ आए और क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने जो सब इंडियन क्रिकेट लेडीज क्रिकेट में जिनको जानते हैं डाना एडल जी के, जो हमारे वक्त के सभी क्रिकेट प्रेमी उनका नाम आज भी आदर्श, मतलब उस वक्त महिला क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर थे, चंद्रकांत कुलकर्णी जैसे मराठी के टॉप मोस्ट डायरेक्टर नाटक में और फिल्मों में और खुद अभिनय करते हुए है अनिल बर्वे, जो अपने वसई के ही है टॉप के एक्टर, वहाँ वो आए हुए है, बाद में जो कैरम के इंटरनेशनल जीते, एक कुमारी करके बिहार से लड़की आई है, दोनों से काजल कुमारी, ये दोनों जो है प्रेरणा लेंगे और दोनों लड़के अच्छे लगे, बाकी वो तो बड़े है ही। त्यांनी सांगितलं की ते एक छोटासा गावातून गाव में आते हुए भी इतना बड़ा 10,000 के गाँव में आए और इधर पार्टिसिपेंट इतने,
बहुत अच्छा भाषण किया उन्होंने। अप्पा कोई एक छोटा सा भी आयोजन होता है तो उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ 34 सालों से लगातार कार्यकर्ता जिंदाबाद, दूसरा कुछ नहीं, कार्य करते दिल से काम करते जिगरबाज है सब कार्य करते। धन्यवाद पाटिल साहब, लगातार 34 सालों से कलाकड़ा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, 34वां वर्ष है लगातार, ये कलाकड़ा में बढ़ोतरी हो रही है कहीं ना कहीं, इस साल 55,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये वसई कलाकड़ा महोत्सव है, ये खाली नाम का महोत्सव नहीं, ये खरे हर एक लोगों के दिल का महोत्सव है। वसई वासियों के लिए 34 साल पहले अपने लोक नेते उन्होंने चालू किया और हमारी जो पूरी टीम है वसई कला क्रीड़ा की, उनके माध्यम से और उनकी मेहनत से आज तक 34 साल में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट इस कला क्रीड़ा महोत्सव से हुआ है। बहुत से खिलाड़ी और कला में काम करने वाले बहुत से लोग बहुत आगे बढ़े हैं और एक हर साल ये महोत्सव कब आता है इसके हम लोग यहाँ शहरवासी राह देखते हैं और ये इतना बड़ा महोत्सव अभी हो गया है कि अभी लोगों के दिमाग दिलों में बढ़ गए।
friends. I know it is rather late in the day, but I don't take much time. I just say that I'm honored to be here, and I thank the organizers for inviting me here. It was a long, long drive from Kapre to Lava to here, and now I have to get back home. So all the very best, and I am really happy to see the amount of talent that is here and the numbers going up every year of the participants. I wish the organizers all the very best and many more the laurels to be won. Thank you very much. न्यूज़ लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।